आई थिंक वो एक एज होती है एंड आज के टाइम पे ना स्टूडेंट्स काफी छोटी एज में ही कनाडा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर कि जॉब में उनको प्रॉब्लम आ रही है. इट कम्स टू द नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग बिकॉज कनाडा में ना यहाँ पे हर एक चीज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. लाइक इफ यू आर वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, यू डोंट टॉक टू मच, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड. बट ऑन द अदर साइड Hello all, this is Damini, co-founder of VMix Scholars. I welcome you to yet another episode of our series Discover Study Abroad. Today I have Shivneep Kaur with me. Shivneep is an Instagram influencer and she makes videos about, you know, life in Canada. So Shivneep actually went to Canada as a student to Conestoga College for a PG diploma program. So I wanted to talk to her to understand the job market because, you know, she had been in this space and even her current job is in the similar space. So I wanted to ask her, you know, what are the challenges that comes, you know, to students while they are, you know, studying to find part-time jobs, and once they are done with their studies, how do they, you know, find a full-time job. So this video is going to be in English and Hindi, and do watch it out. So hi Shivneep, how are you? Thanks a lot for taking time, you know, midnight after your long working day for recording this collab. I'm very thankful to you for that. So Shivneep, can you give a quick introduction of yourself to my viewers? Yes, so my name is Shivneep Kaur and I came to Canada in August 2021. So I came here in Canada, तो मैं तब आई थी जब कोविड पूरा मतलब पीक पे था. सो माई फ्लाइट गॉट डिलेड, तो मैं मतलब अगली फ्लाइट करवा के आई थी एंड आई डिड माई बैचलर्स बैक इन इंडिया. एंड यहाँ पे मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने फिनिश करा है इन ITBA, विच इज़ लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एनालिसिस. सो या दिस इज लाइक माई स्टडी सो फार इन कैनेडा एंड आई थिंक आई चूज द बेस्ट बिकॉज मेरा बैकग्राउंड IT में था, बट आई डोंट लाइक कोडिंग, सो मैंने IT plus BA करा, इसमें कोडिंग नहीं होती. ओके, सो जस्ट स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन हियर. एक्चुअली जब वीज़ा के लिए हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क की नॉट, मतलब हम लोग वीज़ा नहीं करते हैं, बट देन पीपल यू नो व्हेन दे कम फॉर लोन, तो दे आस्क की मैंने एक्चुअली अपनी ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट एरिया में की है और अभी मैं मास्टर्स के लिए दूसरे सब्जेक्ट एरिया में जा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मेरा वीज़ा हो पाएगा या नहीं? तो एक्चुअली सी, वी आर नॉट अ कंसल्टेंट, तो वी डोंट हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, बट जो भी मैंने स्टूडेंट से सुना है वो मेरे को ये पता चला है कि वीजा रिजेक्ट हो जाता है अगर हमारा यू नो एरिया सेम नहीं है. तो कैन यू, बिकॉज आपने बोला कि आपने IT की थी पहले और बाद में आपका कोर्स जो थोड़ा डिफरेंट था, तो उसमें डज इट वर्क, इज इट पॉसिबल? यस, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपली बताती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी इजिली समझ आ जाए. सो इट वर्क्स दैट वे कि अगर हम कैनेडियन एम्बेसी जो भी ऑफिसर है जो हमारी प्रोफाइल को असेस करेगा, सो ही माइट बी हैविंग सम क्वेश्चंस, तो हमें ना डाउट्स नहीं मतलब उसको आने देने उसके दिमाग में. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बीटेक आईटी करी विच इज लाइक कोर आईटी सब्जेक्ट जिसमें कोडिंग भी होती है, बट फॉर मी कोडिंग वॉज नॉट माई यू नो कप ऑफ टी, सो मुझे वो नहीं अच्छा लगता था. बट ऐसा नहीं करना कि हम बिल्कुल आईटी छोड़ के कुछ आर्ट्स ही करने लग जाएं, कुछ बिल्कुल डिफरेंट कर लें. सो वट एवर वी गोइंग टू चूज इन कैनेडा, वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, सो वो मतलब हमारे फील्ड के साथ लिंक होना चाहिए कैसे भी करके. एंड हम मतलब जो हमारी SOP लिखते हैं, मैं मतलब बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि अगर हम थोड़ी सी शिफ्टिंग कर रहे हैं, वी आर यू नो कमिंग फ्रॉम समथिंग एल्स एंड वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग एल्स, तो वी शुड एटलीस्ट गिव देम अ सॉलिड रीजन जिसके बाद रीड करने के बाद उनके दिमाग में वो डाउट आए ना. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी विच वी कैन यूज, बट इट डजेंट वर्क दैट वे कि हम मेडिकल करके बाद में हम कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो दैट डजेंट वर्क. ओके, अंडरस्टूड. तो ठीक है, तो शिवनीप थैंक्स. आई थिंक वो क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोडक्शन आई आस्क्ड बिकॉज सडनली इट केम टू माय माइंड. सो गाइस, हूएवर इज वाचिंग, शिवनीप इज वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम. शी मेक्स अ लॉट ऑफ वीडियोज अबाउट यू नो लाइफ इन कैनेडा एंड द जॉब एस्पेक्ट एंड ऑल. सो शिवनीप, आपका जो चैनल है दैट्स लाइक अ ट्रेजर ऑफ ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो आप you are working as a social media manager for an immigration consultancy. So I'm sure ki you have a much deeper understanding of the challenges students face in securing a job in Canada.
आफ्टर कम्प्लीटिंग देयर एजुकेशन. सो कैन यू शेयर सम इनसाइट्स ऑन दैट कि आपको मतलब वट एवर स्टूडेंट्स यू हैव कम अक्रॉस वॉट चैलेंजेस जनरली यू नो दे कम अक्रॉस. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट माई सेल्फ एंड देन विल कम टू द स्टूडेंट एस्पेक्ट. तो मेरा मतलब कैसे हुआ कि वेन आई फिनिश्ड माई एजुकेशन इन कैनेडा तो मुझे लास्ट सेमेस्टर में ही आई गॉट लाइक 2-3 ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. तो बेसिकली आई पर्सनली बिलीव मैं मतलब दिस इज द रियलिटी. आई डोंट नो इफ यू नो इफ इवन इफ यू आर गोइंग टू बिलीव इट और नॉट बट आई बिलीव दैट मुझे जो यहाँ कैनेडा में जॉब मिली दैट इज बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रोफाइल बिकॉज आई मैनेज इट सो वेल सो प्रोफेशनली इवन ऑन लिंक्डइन इवन ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब. Three of these platforms I use to produce only professional content. Like I never shared my personal life. I never shared anything like, you know, which doesn't make any sense. So I think that really helps me to get job in Canada. तो मतलब मेरे पास अच्छी ऑडियंस थी तो आई थिंक कंपनीज दे नो दैट ओके शी हैज समथिंग शी इज एजुकेटिंग एज वेल अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज गोइंग टू हेल्प अस टू बूस्ट आवर बिजनेस एज वेल लाइक दैट इज देयर माइंडसेट दैट इज कम्प्लीटली फाइन बट नाउ इट्स अप टू मी दैट टू विच कंपनी आई एम गोइंग टू वर्क विद. सो मी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर सो आई ऑलवेज यू नो गो विद अ कंपनी जो मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ अच्छा करे. तो मतलब मैंने इस तरीके से अपना पाथ चूज करा बट आई थिंक मुझे जो ये ऑफर्स मिले या फिर जो मेरी कैपेसिटी जो भी मैंने प्रूव करा आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली विजिबल टू माई यू नो इन ऑन माई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स. तो उनसे मुझे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला बिकॉज माई कम्युनिकेशन गेट स्ट्रांग एंड माई कनेक्शंस आर रियली गुड माई नेटवर्किंग इज रियली गुड. तो वो सारी चीज़ें मिलके आई वॉज एबल टू लैंड जॉब इन कैनेडा विच इज लाइक विच इज कम्प्लीट ट्रूथ एंड देर इज नथिंग टू हाइड. इवन माई यू नो माई एम्प्लॉयर एज वेल ही नेवर डिनाइज दैट येस यू नो शिवनी पाई हायर्ड यू बिकॉज यू हैव यू नो स्ट्रांग सोशल प्रोफाइल. So that is what that's what I really like about my employer as well because he never say ki matlab you know kaise hire kara kyun but yeah he knows the truth and he knows that okay this is the you know bottom line. To agar students ki baat kare to mujhe aise lagta hai ki jab hum after you know 12th aate hain to I think the level of maturity is not as compared to you know bachelor students. तो मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फील होता है कि अगर स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अच्छा यू नो बैचलर्स डिग्री या कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कोर्स करके आते हैं इवन इफ इट्स डिप्लोमा दैट इज कम्प्लीटली फाइन. तो आई थिंक इट गिव्स अ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को अच्छा मतलब कर सकते हैं क्योंकि हमारा लेवल ऑफ यू नो मेच्योरिटी डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हमारा इंक्रीज होता है. तो आई थिंक वो एक एज होती है एंड आज के टाइम पे ना स्टूडेंट्स काफी छोटी एज में ही कनाडा आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज आल्सो अ फैक्टर कि जॉब में उनको प्रॉब्लम आ रही है विच इज वी ऑल यू नो वी ऑल नो दीज डेज. सो एक्चुअली जो आपने एक पॉइंट बोला इम्पॉर्टेंट वो आई थिंक मैंने गुर साहिब के साथ भी जब यू नो आई कोलैबोरेटेड वी डिस्कस दैट पॉइंट इवन ही सजेस्टेड कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जब बच्चे आते हैं तो आई थिंक दे आर मोर क्लियर ऑन व्हाट दे वांट टू डू एंड दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग. बट यूजी लेवल पे जब वो आते हैं इट इज यू नो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम लगेगा इन सेटलिंग थिंग्स एंड नोइंग थिंग्स. तो ओके सो सो शिवनी आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट दैट कि आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से you know you got landed in a job but then what about people around you? Do you think it was easy for them or was it very tough for them to you know get a job after their studies? Okay so actually here it comes to the networking and everything because Canada mein na yahan pe har ek cheez ki apni ek importance hai. Like if you are very introvert kind of person you don't talk too much and you know you are not sharing anything to anybody you are not interacting with people so it is going to be very hard. बट ऑन दी अदर साइड इफ़ यू जस्ट हम बोलते हैं ना कि अपना डर निकाल के रखना साइड में एंड यू ट्राई टू बिल्ड गुड कनेक्शंस. अभी आप एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि मान लो कि एक बच्चा स्टूडेंट बस स्टॉप पे खड़ा है ठीक है अगर वो साथ वाले बच्चे के साथ उसको नहीं जानता बट वो बात ही नहीं कर रहा उससे पूछ ही नहीं रहा कि यार तू कौन से कॉलेज में पढ़ता है ओके तेरी ये स्टडी है अच्छा तू यहाँ पे काम करता है यार मेरे पास काम नहीं है कैन यू हेल्प मी. तो वो सारी चीज़ें ना मतलब आई थिंक स्टूडेंट मिस दोज थिंग्स एंड ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना ये बहुत आगे हमें मतलब लेके जा सकती हैं बट हम ये कंसीडर ही नहीं करते. हमें लगता है कि यार पता नहीं वो आगे मुझे कैसे मतलब बताएगा या नहीं बताएगा बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि
ये छोटी छोटी चीजें जो स्टेप्स है ना नेटवर्किंग में, इट्स नॉट अबाउट कि हम बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, नो, इट्स अबाउट हमारे सर्कल में ही हम एक दूसरे के साथ बात करें, उनसे पूछें कि यार कहाँ पे काम करते हो, मुझे भी है ना मेरी रेफरेंस दो। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट्स सीख लेना कि बात मतलब करना, किसी को थैंक यू, हेलो, हाय, मतलब बिना मतलब के यहाँ पे लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप बस में बैठे हो, कोई भी मतलब बंदा अगर आपका किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट हो गया ना, तो इट विल बी लाइक वो आपको ग्रीट करके जरूर मतलब वो जाएगा ही जाएगा। बट हमारे इंडियन स्टूडेंट्स में ये चीज नहीं है, कम है। तो ये चीज एक चीज है कि जो मतलब बहुत छोटी सी चीज है बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो ये है कि ये चीज हम कर सकते हैं इम्प्रूव अपने आप में। तो जॉब्स तो अवेलेबल हैं, बट द थिंग इज हमें पता ही नहीं है कि कौन सी जॉब राइट टाइम पे कहाँ पे अवेलेबल है। वो तभी पता चलेगा व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने शिवनीप शेयर किया है। जस्ट व्हेन आई वाज हियरिंग दैट मुझे सडनली एक चीज इंसिडेंट याद आया विच आई जस्ट शेयर विद माई व्यूअर्स वंस। तो व्हेन आई वेंट टू यूके, इट वॉज माई फर्स्ट मंथ, so I was looking for part-time jobs. So okay. Everyone, you know, will go to KFC, McD and Vesa. So I was also thinking ki, you know, skills can be better utilized. But mujhe pata nahi tha ki aur kya kar sakte hain, theek hai? But we were also giving, dropping our resumes in all these, you know, places. So one of my friend was from Denmark. He was our classmate, but he was not an Indian national, he was from Denmark. So just I met him in city center, I asked him, अच्छा कहाँ से आ रहे हो करके, then he said कि you know I went for teaching. तो हमने बोला कि अच्छा तुम तो अभी स्टूडेंट जैसे आए हो, व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग यू आर डूइंग? सो ही सेड कि नहीं, एक्चुअली एक ऐसा वेबसाइट है, वहाँ पे ऑनलाइन ट्यूटर्स, मतलब दे विल सर्च फॉर होम ट्यूशंस एंड ऑल। तो वहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया था कि दिस इज व्हाट आई टीच। सो ही यूज्ड टू टीच गिटार और समथिंग लाइक दैट। सो ही लाइक, मैंने प्रोफाइल बनाया था तो मुझे सेशन के लिए बुलाया किसी ने। तो दैट वॉज लाइक मच मोर देन द अर्ली वेज ऑल्सो। अर्ली वेज एट दैट पॉइंट इन टाइम वॉज लाइक सम 7 pounds और समथिंग, बट टीचिंग यूज टू गिव अबाउट 10-12 pounds पर। Then, so when he told, then I also went and created my profile. And after that, you know, the entire year I had continuous, you know, home tuitions kind of a work. So, ये networking का ही है ना, मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो, उन्होंने बताया, मेरे को पता चला। And आपने मतलब initiative लिया, you get the real knowledge. तो वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, मुझे लगता है। मैंने देखा है कि ना नहीं बात करते एक दूसरे से। तो ये चीज अगर जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, अगर ये चीज आप आने वाले हो कनाडा में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। बट आप ये चीज जरूर करना, जानते हो नहीं जानते हो, जस्ट ट्राई टू टॉक, ट्राई टू जस्ट ओपन माइंड से आना। हाँ जी, ओपन माइंडेड से पूछ लो कि यार आप कहाँ से हो, इंडिया से, अच्छा आप यहाँ से हो, जस्ट मेक सम गुड कनेक्शंस। सो शिवनी, रिसेंटली मैं आपके एक इंस्टाग्राम में रील भी देख रही थी, जिसमें यू नो इन अ मॉल यू वर आस्किंग पीपल कि कैसे आपको फर्स्ट जॉब मिली। आई हर्ड मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि रेफरेंस से मिली, है ना? तो आई थिंक दैट कुड गिव मी अ सेंस कि भाई रेफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सो शिवनी, मूविंग ऑन टू यू नो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि फुल टाइम जॉब जब मिलती है, लाइक आफ्टर द कोर्स, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस कि जो पीजी डिप्लोमा के लिए जाते हैं उनको ज़्यादा इजिली मिलती है कम्पेयर टू पीजी सर्टिफिकेट? बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, बिकॉज कंसल्टेंसीज उनको बोलती है पीजी सर्टिफिकेट में चले जाओ। स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि भाई डिप्लोमा में ज़्यादा क्या बेटर है डिप्लोमा में जो सर्टिफिकेट में नहीं है। तो वॉट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? सो आई वुड लाइक टू ऐड कि ना दो एस्पेक्ट हैं। हम एक अफोर्डेबिलिटी की बात करें कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि कई बार ना स्टूडेंट में कैलिबर होता है, ही कैन डू मास्टर्स एज वेल। तो वहाँ पे ना अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, एंड आई नो दैट यू गाइज आर यू नो हेल्पिंग स्टूडेंट्स दोज हु आर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल हेल्प। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा सा जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज यू नो हैव अ डिफरेंस, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आई थिंक उस वजह से स्टूडेंट्स डिप्लोमा चूज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू डिग्री और यू नो मास्टर्स काइंड ऑफ डिग्री। तो अगर जॉब की बात करें तो आई थिंक देर इज अ पॉसिबिलिटी आती है, ये डिफरेंस है, क्योंकि ना जो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ता है एनी डिग्री और एनी यू नो गुड डिग्री ही इज गोइंग टू डू, उसका जो माइंड है ना वो बहुत अच्छा डेवलप होने लगता है, बिकॉज प्रोफेसर्स आर गोइंग टू गिव देम अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन जो कॉलेज में आई थिंक मिसिंग होती है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रोफेसर टू प्रोफेसर। बट आई थिंक जो अगर हम एक्सपोजर की बात करें, ओवरऑल एक्सपोजर,
वो हमें मिलेगा इन डिग्री, क्योंकि डिग्री में देर आर सो मेनी करिकुलम्स विच वी हैव टू फॉलो, बट इन डिप्लोमा देर इज नथिंग लाइक दैट. वी जस्ट नीड टू यू नो गिव दी फाइनल एग्जाम्स, एंड इफ इट्स लाइक मोर देन 55% देन इट इज फाइन, अदरवाइज नॉट फाइन देन वी हैव टू जस्ट डू इट अगेन. बट आई थिंक डिग्री में हमें अगर एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, डेफिनेटली वी गेट टू नो लॉट मोर थिंग्स, हमें इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, बिकॉज वहां पे ना प्रोफेसर भी ऐसे होते हैं जो हमें रियल टाइम इंडस्ट्रीज की नॉलेज देते हैं, दैट यू नो स्टूडेंट्स डू दिस, दिस कंपनीज आर हायरिंग राइट नाउ. सो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट एज आई ऑलरेडी मैंशन, मैंने डिप्लोमा करा है फ्रॉम यू नो कॉनेस्टोगा कॉलेज. तो मैंने अपनी जो मेरी वीकनेस थी, मैंने स्टडी में इतना मतलब जोर नहीं लगाया, लाइक आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट. मैं इतना कोई पढ़ाई में मैंने अच्छा नहीं करा, बट मुझे पता था कि मेरा इंटरेस्ट किस में, एंड मेरा जो बोलते हैं ना कैलिबर, मुझे पता था कि इसमें है एंड आई विल बी एबल टू मैनेज, तो वो चीज़ मैंने कर ली. बट वही है कि अगर स्टूडेंट को शुरू से क्लियर है कि मुझे किस तरफ जाना है, तो उसके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर उसका पाथ अपने आप बनता रहता है. इफ़ ही और शी डजंट इवन नो कि मुझे क्या करना है, तो फिर वो मतलब चाहे डिग्री कर ले चाहे डिप्लोमा कर ले, वो कंफ्यूज ही रहेगा. तो आई थिंक डिसीजन मेकिंग भी हमें होनी चाहिए कि अगर हम डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी अवर एंड गोल. तो हमें उसका एंड गोल भी पता होना चाहिए, दैट इन विच इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू डू, एंड देन वी कैन स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन. तो वही चीज है कि डिग्री डिप्लोमा में है डिफरेंस, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर ओन पर्सनल एफर्ट्स एज वेल एट द एंड ऑफ द डे. ओके, गॉट इट. सो बट यू आर जस्ट सेइंग कि हाँ ईजी होगा जॉब मिलना, बट अगर द स्टूडेंट इज हैज द कैलिबर टू यू नो गो एंड यू नो वर्क हार्ड, तो वो मिल सकता है उसको भी जॉब. ठीक है, तो शिवनीप अभी तक हमने बात की कि स्टडीज के बाद वाली जॉब के बारे में, एक मुझे आपकी इंसाइट्स उसमें भी चाहिए कि पार्ट टाइम जॉब पे आपका क्या ओपिनियन है. इज इट ईजी टू गेट, मुश्किल होता है, अगर मिल जाती है तो कितनी वेज स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आर्ली रेट तो होता है, बट काफ़ी जॉब्स में मे बी ऐसा अनऑफिशियली कम भी देते हैं, ऐसा भी होता है, राइट? तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी जॉब्स आर ईजी टू गेट और कितनी वेज उसमें मिलती है? ओके, सो ना यहाँ पे है बेसिक इंडस्ट्रीज जो जिसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स काम करते हैं. फर्स्ट वन इज फूड डिस्ट्रिक्ट, जो मतलब जिसमें फूड इन्वॉल्व होता है. सेकंड हो गया मतलब कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई टिम होटल्स, ये जो सारे फूड वाले हो गए वो. एंड दूसरा हो गया रिटेल, जिसमें हम मतलब कोई भी ग्रोसरी स्टोर लगा लो आप, कोई रिटेल स्टोर, एनीथिंग, एनी ब्रांडेड शोरूम और समथिंग. एंड थर्ड कैटेगरी आ गई जो है वेयर हाउस जॉब्स, जो दैट इज काइंड ऑफ जनरल लेबर जॉब्स. तो इसमें पार्ट टाइम जॉब्स की अगर हम बात करें, तो पहली चीज़ तो वही कि अगर हम बात नहीं करेंगे, रेफरेंस नहीं मिलेगी हमें, तो ये भी मुश्किल है. दैट इज़ लाइक फेयर इनफ, क्योंकि अगर मान लो मैं हायरिंग कर रही हूँ, तो अगर मेरे ऑलरेडी मेरे अंडर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो किसी अपने फ्रेंड की रेफरेंस देगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट, बिकॉज ये बंदा ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहा है एंड मुझे पता है कि यू नो ही इज डूइंग वेल, ही इज वर्किंग विद मी फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स नाउ. अगर ये अपना फ्रेंड लेके आएगा तो वो भी अच्छा ही होगा. तो दैट इज अ काइंड ऑफ माइंडसेट जो हमें बन जाता है. तो ये चीज पार्ट टाइम जॉब्स भी हमें रेफरेंस के साथ बहुत ईजी से मिल जाती हैं. तो वही है कि हम पूछते रहें. अगर यहाँ पे ना कंपनीज है एंड स्टूडेंट्स को ये बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हम मतलब रेज्यूमे ड्रॉप कर दें हमें पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, बट यहाँ पे ना कुछ कंपनीज का स्टैंडर्ड ये है कि वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट करते हैं, वो ऑफलाइन जो है वॉक इन नहीं लेते. तो कहीं ना कहीं आई थिंक रेज्यूमे में स्टूडेंट्स गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, जो मैंने देखा है कि रेज्यूमे उनका अच्छा नहीं होता, तो वो मतलब हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस टूवर्ड्स द जॉब विच वी आर अप्लाइंग. हमें जॉब्स में हमें स्किल चाहिए जैसे मैनेजमेंट की, बट हम डाल रहे हैं कि वी आर क्रिएटिव, वी आर लॉजिकल थिंकिंग, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो चीज़ मैं मतलब एक एम्प्लॉयर देखेगा तो उसको सेंस नहीं बनेगी. आई थिंक वो जस्ट लेजीनेस शो होता है उसमें कि भाई उसने इतना एफर्ट भी नहीं डाला कि रिज्यूमे अपना कस्टमाइज करे. तो उसके लिए मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेज्यूमे अपडेट नहीं करते स्टूडेंट. एक रेज्यूमे को 100 जॉब्स में अप्लाई कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे कॉल नहीं आई, मुझे रिजल्ट नहीं आया. कैसे आएगा जब वो मांग रहे हैं जो चीज आप उनको दे ही नहीं रहे हो, तो क्यों करेंगे वो आपको कॉल. एंड आई थिंक पार्ट टाइम जॉब्स में थोड़ी सी अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. टुडे इट्स लाइक 5th मार्च, अभी इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत है, बट धीरे धीरे करके ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ना स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए एकदम से यहाँ पे.
जिनकी बैकलॉग्स थी, जिनके डेफर्स थे, वो सारे एकदम से यहाँ पे आ चुके हैं. तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. एंड ड्यू टू, जैसे लोग बोलते हैं, रिसेशन एज वेल. तो आई थिंक बट आगे जाके ये चीज फिर से स्मूथ हो जाएगी. तो आई थिंक जो स्टूडेंट के एफर्ट्स हैं उसका रेज्यूमे होना चाहिए, वो अच्छे एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें ताकि उनको पता चले कहाँ पे हायरिंग हो रही है. दे शुड बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बिकॉज वी एज अ कंटेंट क्रिएटर वी आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल ओवर प्लेसेस. मतलब हम इकट्ठे करके एक जगह पे डाल देते हैं स्टूडेंट्स. अभी वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो अभी इतना एफर्ट्स तो करें ना कि एटलीस्ट दे के खुद अप्लाई कर दे. आप मानोगे नहीं, हमारे ना यहाँ पे एक पेज है दैट इज वेरी फेमस पेज. तो वो मतलब जॉब डालते हैं स्टूडेंट, उनको मतलब वहां पे नंबर भी दिया है कि यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दे आर लुकिंग फॉर दिस दिस दिस. फिर भी वो मतलब स्टूडेंट जो है ना उनके साथ ही बात करके, चैटिंग कर करके मतलब टाइम वेस्ट करते हैं, खुद अप्लाई नहीं करते. तो आई थिंक एफर्ट्स नहीं करते स्टूडेंट्स, फिर बाद में बोलते हैं कि काम नहीं मिला. तो आई थिंक कहीं ना कहीं एफर्ट्स में भी है थोड़ी सी प्रॉब्लम. ठीक है, आई थिंक शिवनी दैट वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट. आपने बताया कि स्टूडेंट्स को दे हैव टू गेट बेटर कनेक्टेड, हैव टू कस्टमाइज द रिज्यूमे, देन ओनली दे विल बी एबल टू गेट द जॉब विच दे आर लुकिंग फॉर. ठीक है, तो शिवनी बिफोर वी रैप दिस सेशन, एनी टिप्स आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? बिकॉज ऑन आवर चैनल देर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो हु आर एस्पायरिंग टू स्टडी इन कैनेडा. तो आपके पास एनी मतलब कुछ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन और टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? डेफिनेटली. सो यू नो, कंसिडरिंग टूडे सिनेरियो जहाँ पे हम बोलते हैं कि वीजा में टाइम लगता है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है व्हेन वी अप्लाई फ्रॉम ऑफर लेटर टिल द वीजा. तो आई थिंक हम उस टाइम गैप को ना बड़े स्मार्टली यूज कर सकते हैं. पहली चीज, दिस मैसेज इज फॉर गर्ल्स स्पेशली. गर्ल्स ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मतलब बनवाती, तो मेरी ये सुजेशन है, प्लीज़ अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इधर यू आर गर्ल और अ बॉय, ड्राइविंग लाइसेंस अपना बना के मतलब रखो, क्योंकि वो यहाँ पे काम आएगा. यू कैन गेट पार्ट टाइम जॉब्स विद अ लाइसेंस एज वेल. यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ओपनिंग्स होती है. पहला तो मतलब लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया. सेकेंड थिंग, इफ यू आर यू नो, इफ यू नो कि मैं इस लोकेशन पे पर्टिकुलरली, जैसे मेरा वीजा आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक आई अप्लाइड फॉर माई वीजा, मेरा कॉलेज मान लो टोरंटो में है, तो आई स्टार्ट लुकिंग कि मैं यहाँ पे रहूंगा, मतलब यू नो माई फ्रेंड्स आर हेयर एंड आई विल बी गोइंग टू दैट प्लेस. तो ट्राई टू सर्च राइट अवे कि वहाँ पे कैसे कैसे जॉब्स अवेलेबल हैं. ट्राई यू नो मेकिंग योर रेज्यूमे, तभी से बनाना स्टार्ट कर दो. एक अपना रिटेल के लिए बना लो, एक अपना फूड के लिए बना लो, एक अपना किसी और जॉब के लिए. लाइक ये चीजें तभी पता चलेगी व्हेन वी एक्सप्लोर. तो आई थिंक दैट इज अ काइंड ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन आई वुड से. मतलब एक मैं वर्ड यूज करूंगी, टाइम यूटिलाइजेशन. वो टाइम हमारा जो वेला टाइम होता है हम ऐसे निकाल देते हैं, वो हम इन चीजों में लगा सकते हैं कि हम अगर वहां पे जा रहे हैं तो मतलब क्या क्या चीजें वी कैन यू नो कंसिडर. ठीक है, रेज्यूमे हो गया, हमारा जी लाइसेंस हो गया, देन आफ्टर दैट स्टार्ट लर्निंग फ्यू स्किल्स एज वेल जो हमें यहाँ पे काम आती हैं. तो मैंने देखा यहाँ पे, दामिनी यू वॉन्ट बिलीव, जो मतलब जिस स्टूडेंट को यू नो कटिंग एंड ऑल ये नेल आर्ट लड़कियाँ सीख के आती हैं, दे आर यू नो अर्निंग रियली गुड मनी, इवन बेटर देन अदर पीपल. सो आई थिंक दे कैन स्टार्ट लर्निंग सम स्किल्स. अभी ना मे बी कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स पूछेंगे कि कौन सी यू नो स्किल्स सीखें. तो स्किल्स कोई ऐसी नहीं होती कि मैं आपको बोल दूं मेरा शौक था जैसे डिजिटल मार्केटिंग का, तो आई वॉन्ट से कि आप भी वही सीख लो. नहीं, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट योर इंटरेस्ट, आपका किस चीज में है. यू लाइक फैशन, ओके, जस्ट डू दैट. यू लाइक यू नो राइडिंग, डू दैट. यू लाइक हेयर कटिंग एंड एवरीथिंग, डू दैट. यू लाइक कारपेंट्री, डू दैट. मतलब जस्ट लर्न समथिंग टू यूटिलाइज योर टाइम सो दैट उसका बेनिफिट तो होएगा ही, बिकॉज आपने एफर्ट डाले हैं. डेफिनेटली यू विल गेट टू, यू विल गेट योर रिटर्न. करेक्ट, करेक्ट. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो वीजा के टाइम में ना स्टूडेंट्स जस्ट वेट करते हैं 3 महीने, क्योंकि तब तक काम पूरा हो चुका होता है उनका यूनिवर्सिटी का, क्योंकि 3 टाइम. हाँ सो उस टाइम पे वॉट एवर योर कोर्स इज रिलेटेड टू, मतलब अगर आप कोर्स से रिलेटेड भी कुछ करना चाहते हो तो दैट ऑल्सो विल बी यू नो गुड. सो आई वॉज टेलिंग यू की माई ब्रदर वेंट टू फॉर कंप्यूटर साइंस टू यू नो डलहौजी यूनिवर्सिटी इन कैनेडा. तो उनका उसका जो टाइम था वो वीजा के बाद वेट करने का, आई टोल्ड हिम कि किसी कोर्स में एनरोल कर लो, वॉट एवर योर कोर्स इज गोइंग टू टीच यू सम लैंग्वेज कोडिंग का, दैट यू लर्न इट. तो उसका उसको फायदा हुआ कि वो ना ही बिकेम अ टीचिंग असिस्टेंट वेरी सुन लाइक इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज उसको ऑलरेडी करिकुलम ऑफ फर्स्ट ईयर आता था. सो दैट इज द थिंग.
ओके सो ग्रेट काशिन. ये भी काफी काफी अच्छा पॉइंट दिया कि जो अगर कुछ और नहीं करना, एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लोर योर सिलेबस, आप क्या पढ़ने आओगे यहाँ पे वही कर लो, दैट कैन हेल्प यू. Correct. So great, Shivneep. It was, you know, very nice talking to you and knowing all these things about the jobs. You know, I wanted to ask you all the questions about jobs because मेरे को पता है वो आपका expertise area है. And thanks a lot. I know it is, you know, 1 a.m. in Canada and we are maybe 1:30 and we are recording this. I'm sure you are very sleepy. So thanks a lot, Shivneep, for taking out this time. And I'm sure the video will be liked by everyone. So thank you and everyone. Yeah, and I'm encouraging everyone to go and follow you on Instagram because, you know, Shivneep makes a lot of, you know, very good videos. So please check that out. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah. Bye-bye. Thank you, everybody.